हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के कुछ एमसीक्यू या फिर आप बोल सकते हैं क्विज करने वाले हैं। सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि आप CDP में या टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो आपका पढ़ा हुआ कुछ यूज़फुल नहीं होता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आप एक MCQ की बुक्स तो अपने पास रखे ही रखें, और जो ये क्वेश्चन है ये आपके CTET, STET, PTET, REET, KVS, NVS, NET, SET बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। और जो ये पहली सीरीज़ है क्वेश्चन की, 10 क्वेश्चंस की, ये आपके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, एक विज्ञान का अध्यापक छात्रों से ठोस, तरल और गैस का उदाहरण देने को कहता है। यहाँ पर दिए गए उदाहरण डैश डॉट से संबंधित हैं, ठीक है। इट्स ऑप्शन 1 इज ज्ञान, बी समझ, सी अनुप्रयोग, डी कौशल। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका बी समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक विज्ञान का अध्यापक छात्रों को जैव विविधता का टॉपिक पढ़ाना चाहता है। शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका जो उसे अपनाना चाहिए वह है पाठ्य पुस्तक से सिखाना, चित्रों को देखकर सिखाना, छात्रों को पास के पार्क में ले जाना, देखे गए वनस्पति और जीवों की तस्वीर लेना और रिपोर्ट तैयार करना, और डी स्वयं द्वारा पढ़ने का सुझाव देना क्योंकि यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, छात्रों को पास के पार्क में ले जाना, देखे गए वनस्पति और जीवों की तस्वीर लेना और रिपोर्ट तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 3 इज, शिक्षण की नवीन विधि इनोवेटिव विधि डैश डैट है जिसमें छात्र सीखने की अपनी स्वयं की गति से सीख सकते हैं। पहला है प्रेरक या आगमन विधि, दूसरा है बी निगमन विधि, तीसरा सी क्रमादेशित निर्देश, और चौथा है अनुमानी या स्वाभाविक विधि। तो इस आंसर इज सी, क्रमादेशित निर्देश सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज, शैक्षिक लक्ष्यों उद्देश्यों का वर्गीकरण डैश डैश द्वारा किया गया था। क्रेथॉल, B.S. ब्लूम, रॉबर्ट मेगर या फिर गेन। तो इसका आंसर है आपका बी, B.S. ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 5 इज, कक्षा 7th के छात्रों को टॉपिक घर्षण पढ़ाते समय एक विज्ञान का शिक्षक यह समझाने के लिए कि घर्षण कई मायनों में हमारे लिए हानिकारक है अनेक उदाहरण देता है। वह उदाहरण जो सही ढंग से उसके द्वारा उद्धृत नहीं किया गया है डैश डैश है। हम घर्षण की वजह से चलने में सक्षम हैं, मशीन के पुर्जों का न चलना, ब्रेक लगाने पर एक वाहन बंद हो जाता है, कलम की नोक और कागज के बीच घर्षण की वजह से लिखने में सक्षम हैं। तो आंसर इज बी, मशीन के पुर्जों का न चलना। क्वेश्चन नंबर 6 इज, वह शिक्षण विधि जो मध्यम वर्ग में विज्ञान पढ़ाने के लिए उचित नहीं है, प्रदर्शन विधि, गतिविधि आधारित विधि, व्याख्यान विधि या प्रेरक आगमन विधि। तो आंसर इज सी, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 7 इज, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक महाद्वीपों और महासागरों के स्थान सिखाना चाहता है, उन्हें डैश डैश प्रकार का मानचित्र प्रयोग करना चाहिए, ए विश्व राजनीतिक, विश्व प्राकृतिक, भारत प्राकृतिक या फिर भारत राजनीतिक। तो आंसर इज बी, विश्व प्राकृतिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, छात्रों के बीच सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके शिक्षण छात्रों को पूछने की अनुमति नहीं, या फिर डी गतिविधि आधारित शिक्षण करना। तो आंसर इज गतिविधि आधारित शिक्षण करना डी। क्वेश्चन नंबर 9 इज,
कृषि विषय पर एक पाठ्य योजना तैयार करने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? शिक्षण सहायक सामग्री का चयन, बी उद्देश्यों का ढांचा तैयार करना, सी टॉपिक को कई बार पढ़ना, डी परिचयात्मक सवाल तैयार करना। तो आंसर इज बी, उद्देश्यों का ढांचा तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 10 इज, एक परीक्षार्थी शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों में से एक छात्र लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे लिखता है, यह उद्देश्य किस डोमेन में आएगा? फर्स्ट कौशल स्किल, बी संश्लेषण सिंथेसिस, सी समझ कॉम्प्रिहेंशन, या फिर डी विश्लेषण। तो आंसर इज सी समझ कॉम्प्रिहेंशन। अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का स्किनर सिद्धांत पर आधारित है, संगति पर, ऑपरेशनिज्म पर, अनुकूलन पर, या सुदृढ़ीकरण पर? तो आंसर इज बी ऑपरेशनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कारक विश्लेषण किसने पेश किया था? स्पेयरमैन ने, जूरी ने, मैस्लो ने, या फिर ओपिनियन? तो आंसर इज आपका आंसर है डी ओपिनियन। थर्ड क्वेश्चन इज, चार्ल्स स्पेयरमैन का बुद्धिमता का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? समूह कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, या फिर एक कारक सिद्धांत? तो आंसर इज सी द्विकारक सिद्धांत। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है बुद्धि के सिद्धांत पे। तो आंसर इज सी द्विकारक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का प्रस्तावित किया था कि बच्चे का विकास - है औपचारिक शिक्षा का एक उत्पाद, एक संस्कृति के आनुवंशिक घटकों के कारण, सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद, या फिर डी आत्मसात और आवास का एक उत्पाद? तो आंसर इज सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद। वाइगोत्स्की का जो नियम है वो यही है, सामाजिक पे रिलेटेड है उसका। क्वेश्चन नंबर 5 इज, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे अच्छी तकनीक है? खेल प्रशिक्षण या खेल शिक्षण, बी व्यवहारिक प्रशिक्षण, सी स्वयं सीखना, डी ब्लैकबोर्ड और चौक का प्रशिक्षण? तो आंसर इज खेल प्रशिक्षण, प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, उस तरीके का ठोस विवरण जिसमें व्यक्ति समस्याओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, उसका प्रतिनिधित्व - द्वारा किया जाता है, समस्या समाधान ग्राफ द्वारा, समस्या ग्राफ द्वारा, समाधान ग्राफ द्वारा, या समस्या व्यवहार ग्राफ द्वारा? तो आंसर इज डी समस्या व्यवहार ग्राफ द्वारा। निम्नलिखित इरादों में से किसे प्राथमिक उद्देश्य के रूप में माना जाता है? ए मनोवैज्ञानिक इरादे, बी सामाजिक इरादे, सी शैक्षिक इरादे, या डी शारीरिक इरादे? तो आंसर इज डी शारीरिक इरादे, प्राथमिक उद्देश्य के रूप में शारीरिक इरादे को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, स्व अध्ययन की आदत - बच्चों में विकसित किया जा सकता है? ए नया साहित्य उपलब्ध कराकर, बी अपना स्वयं का उदाहरण देकर, सी महान लोगों का उदाहरण का हवाला देकर, डी स्व अध्ययन पर व्याख्यान देकर? तो आंसर इज ए नया साहित्य उपलब्ध कराकर। इरादों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्वेश्चन नंबर 9 इज, इरादों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, वे सीधे देखे जा सकते हैं, व्यवहार से वे अनुमान हैं, वे सीधे नहीं देखे जा सकते, या फिर डी ये सभी? आंसर इज व्यवहार से वे अनुमान हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, निम्न में से कौन सा सुनवाई हानि का एक प्रकार नहीं है? बोली बंद होना, वाचाघात या अफेसिया, प्रवाहकीय सुनवाई हानि, मिश्रित सुनवाई हानि, या फिर ग्रहणशील तंत्रिका? आंसर इज
बोली बंद होना या वाचागत अफेजिया, ऑप्शन ए।